गुड मॉर्निंग गाइस, आई नो दैट लिटरली दिस इज नॉट अ गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमारी कंट्री में जो भी कुछ चल रहा है हम सबको मालूम है, कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। और इसी वजह से कल रात हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अगले 21 दिनों तक कंप्लीट इंडिया को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया, बोले तो कर्फ्यू लगा दिया। घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी लग चुकी है। और ये अनाउंसमेंट आते ही मेरे माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक हुआ कि इन 21 दिनों को मैं एक चैलेंज के तौर पर लेने वाला हूँ, यूटिलाइज दिस 21 डेज। और इस चैलेंज के दौरान मैं वो सब काम करने वाला हूँ जो पिछले कुछ टाइम से पेंडिंग थे मेरे टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से, जिसे लोग बिजी होना बोलते हैं, हम उन्हें टाइम मैनेजमेंट की कमी बोलते हैं। जैसे पिछले साल मैंने ये एक बुक परचेज किया था, हमारे ऑफिस में एक सेल्समैन आया, उसने बोला कि सर ये बुक परचेज कर लो, कमाल का बुक है, तो नॉलेज गेन होगा। तो मैंने बोला कि चलो परचेज कर लेते हैं, नॉलेज गेन होगा, अच्छी बात है। और ये बुक परचेज करके मैं अपने घर में लेके आया और 4-5 दिन मैंने इस बुक को पढ़ा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से मैं इस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाया और ये बुक पेंडिंग रह गया। और इसके अलावा और भी काफी मेरी कमिटमेंट्स थी अपने आप से जो पेंडिंग थी मेरे टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से, तो उन सभी कामों को मैं कंप्लीट करने वाला हूं इन 21 दिनों में। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों की भी अपनी कुछ कमिटमेंट्स होंगी, वो कुछ भी हो सकता है, वर्कआउट हो सकता है, अपने घर की सफाई हो सकती है, रूम की सेटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो पिछले कुछ टाइम से पेंडिंग है या जिन्हें आप टाल रहे हैं बिजी होने की वजह से। और इसलिए ये चैलेंज मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं, यूटिलाइज दिस 21 डेज। तो इन सभी कामों को इन 21 दिनों में कंप्लीट कीजिए और इस चैलेंज का हिस्सा बनिए। और इन 21 दिनों को आप किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं या इस चैलेंज के दौरान आप क्या क्या एक्टिविटीज वाले हैं, इन सभी आइडियाज को शेयर कीजिए हमारे साथ। आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर अपने इन एक्टिविटीज को फोटोज या वीडियोस में कैप्चर करके स्टोरी बनाइए और हमको टैग कीजिए। और इन सभी आइडियाज को हम लोग शेयर करेंगे हमारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पर और आने वाले व्लॉग में भी इसे फीचर किया जाएगा। और इन 21 दिनों के दौरान मैंने क्या क्या किया है ये सब मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ हमारे आने वाले व्लॉग में, जब ये सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी और हम किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे, उस व्लॉग में इन सभी कामों के बारे में जिक्र किया जाएगा। एंड प्लीज प्रे फ्रॉम कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। एंड उन सभी डॉक्टर्स, उन सभी सिविलियंस को जो भी हमारी सेवा में अपनी अपनी ड्यूटीज पर है, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से सल्यूट है, हमारी तरफ से हैट्स ऑफ है, यू आर द रियल सुपर हीरोज फॉर अस। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और यही चैलेंज आप आगे दीजिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को, और इन 21 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करने में उनकी हेल्प कीजिए। तो अभी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और अभी हम लोग मिलते हैं ये चैलेंज कंप्लीट होने के बाद। थैंक यू।